यह मंदिर कितना वर्ष पुराना है और ये किस नाम से यहाँ पर विख्यात है? ये मंदिर 250 से 300 साल पुराना है। इस मंदिर ठाकुर जी महाराज जी के नाम से जमीन भी हम कितने ठाकुर जी महाराज श्री कैलाश धाम ठाकुर जी महाराज मैंने कैलाश धाम के नाम से लोग जानते हैं कैलाश धाम के नाम से जानते हैं। मंदिर बहुत छोटा हुआ करता था, इसका तारीख आप देखते भी मंदिर बहुत छोटा है और इसको धीरे धीरे सब लोग के सहयोग से अपना कोई 10,000 कोई 5,000 कोई कई से इसी तरह देता गया, धीरे धीरे उसका निर्माण होता चला गया। ये इसका ये मंदिर का जो स्वरूप है ये नक्शा कहाँ से लिया गया है? ये सब एक नक्शा हम लोग हमारे इंजीनियर साहब हैं उड़ीसा का कारीगर। उसके बाद जो मंदिर बनने लगी कुंभोजी वगैरह, ये एक जगह है नादेव महाराज नादेव के पास उनका गांव है, वहाँ तहसील लोहा पड़ता है छोटा सा गांव, उसी गांव के मिस्त्री आए थे सब यहाँ रहे और वहीं से बना के चले। इसमें सबको शहर से जितने कभी जब भी काम लगता है उड़ीसा से ही मिस्त्री आते हैं, वहीं से आएंगे कारीगर का वही कर ही कर जितना दिन काम हो करके फिर चले जाते हैं। आखिर तो कुछ आप लोग प्रबंध समिति से जुड़े हैं यहाँ के व्यवस्था से जी, कोई लक्ष्य रखा गया होगा कि अब मंदिर इतने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा? ये बाबा आप जानते हैं अपना मंदिर कितने दिन में पूरा कर लेंगे, यहाँ लक्ष्य यही है कि जहाँ से सहयोग आता है उसी हिसाब से अपना निर्माण होता है। इतने वर्षों से यह काम लगा है, ये हमको मालूम है कि ये कम से कम 20 साल से काम चल रहा है 20 साल से धीरे धीरे होता है, जैसे जैसे आमदनी का शुरू करता है ऐसे चलता है। इसके लिए कमेटी भी बनी है निर्माण समिति? हाँ कमेटी है, कमेटी के अध्यक्ष संजय सिंह है, हमारे अमित चौधरी हैं, तमाम लोग हैं इसमें, कतरा मिया चरण चौधरी हैं, बहुत लोग हैं इसमें, राघव जी हैं बहुत लोग बनाने की प्रेरणा आप लोग कैसे मिली कि ऐसा इस प्रकार का तो मंदिर बलिया में है नहीं जी? नहीं, तो इस प्रकार का भव्य मंदिर बनाया जाए, यह तो बन रहा है तो स्वाभाविक है कि महादेव की कृपा से बन रहा है, तो लेकिन यह प्रेरणा आप लोग कैसे बनी कि यह नक्शा यहाँ से लाया जाए और ऐसा बनाया जाए? ये सब बोले ना, सबको अपना बुला लेते हैं हर काम के लिए, किसको क्या करना है क्या नहीं करना है, जिससे यहाँ से होता है जो होता है भैया नहीं भी रहता है बाहर चला जाता है एक दिन के लिए, तो कहीं ना कहीं बुला लेते हैं, कभी हमारी ही मन आ गई समय से आ जाएंगे, एक कन्हैया ने कहीं मंदिर तक ना भूल जाता है। यहाँ एक भोला बाबा है बगल में रहते हैं पुजारी हैं, जो समय से आते हैं अपना आरती उरती करते हैं। फिर भी तो प्रबंध समिति का कुछ प्रयास होगा ना कि हाँ इसको ये 2 साल में 3 साल में इसको पूरा कर लेना है? टारगेट तो हम लोग रखे हैं कि 2022-23 तक इसको हम लोग कम्प्लीट कर जी, इसी तरह से सबका सहयोग मिलता जाए 22-23 तक मैंने निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इसमें मुख्य गर्भगृह में शिव जी का शिवलिंग है, शिवलिंग और किसका किसका यहाँ पर मंदिर है? हाँ बगल में हनुमान जी हैं, राधे कृष्ण हैं, ठाकुर जी हैं, जी पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय भगवान, पूरा शिव परिवार अंदर जी। इसके ऊपर जो बनेगा उसमें राधे कृष्ण का एक विशाल काय हम लोग गए हैं जयपुर देखकर आए हैं विशाल काय। हाँ बगल में हनुमान जी हैं, राधे कृष्ण हैं, ठाकुर जी हैं, पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय भगवान, पूरा शिव परिवार अंदर है, विष्णु भगवान जी हैं जी। इसके ऊपर जो बनेगा उसमें राधे कृष्ण का
एक विशाल काय हम लोग गए हैं जयपुर देख कर आए हैं विशाल काय मैंने जयपुर में जैसा भगवान विष्णु का मंदिर वैसा ऊपर बनेगा ये लक्ष्य सब भगवान अपना जैसा जैसा हाँ बुद्धि देते जाएंगे बहुत किसी ना किसी मान लीजिए दानदाता को ही भेज दें भाई मेरे ये ले लीजिए ये ले लीजिए ये ले लीजिए सहयोग सबका मिल रहा है।